आप लोग कैसे हो? संजू बोवी किचन एंड ब्लॉग्स में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज मैं फिर आप लोगों के सामने आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन बिरयानी, क्योंकि संडे है तो संडे को सभी के घर में कुछ स्पेशल बनता है। हमारे घर में भी आज बना है। तो आपको हमारा ये रेसिपी अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब किया करिए। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो आप लोग दिल खोल के सब्सक्राइब किया कीजिए हमारे चैनल को। और मिलते हैं किचन में, चलते हैं रेसिपी पर, बने रहिएगा और देखिए मैं कैसे बनाती हूँ चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी बनाने के लिए मैं चिकन को अच्छे से दो तीन बार धो ली। धोने के बाद इसको मैरिनेट की। मैरिनेट में मैं नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर और एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाली थी। ये अब अच्छे से मैरिनेट हो गया, क्योंकि लगभग हमारा आधा घंटा हो गया है। तो अब मैं इसको बनाने के प्रोसेस में जाती हूँ। और बिरयानी के लिए मैं चावल बनाऊंगी, बिरयानी राइस। तो उसके लिए मैं पानी गर्म कर ली हूँ। पानी हमारा गर्म हो चुका, तो इसमें जाएगा ये खड़े मसाले। इसमें दो तेजपत्ता है, दो बड़ी वाली इलायची है, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का है और 5 से 6 लौंग और काली मिर्च है। ये सभी को मैं इस पानी में डाल दूंगी। और मसाले में, सूखे मसाले में मैं क्या ली हूँ, ये देखिए काली मिर्च पाउडर है, बिरयानी मसाला है और ये गरम मसाला और ये है जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर है। लहसुन अदरक और दो तीन हरी मिर्च का मैं पेस्ट बना ली हूँ। आधा घंटा पहले चावल को धो करके अच्छे से सोख करके मैं रख दी थी। तो ये भी हमारा बिरयानी बनने के लिए तैयार है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा पानी जो है वो बॉयल हो रहा है। तो इसमें मैं इस चावल को डाल दूंगी और खड़े मसाले को मैं चिकन में नहीं डाल के बल्कि इस पानी में डाल दी हूँ, क्योंकि फ्लेवर इससे अच्छा आता है चावल में देने से। इसमें सारा चावल मैं डाल दी और एक चम्मच इसी में नमक जाएगा और एक चम्मच देसी घी जाएगा। तो इसको लगभग, इस चावल को 70-80% ही पकाना है, ज्यादा नहीं पकाना है। इसमें अब जाएगा प्याज, ये वाला, इसको डीप फ्राई करके पहले मैं निकाल दूंगी। हमारा चावल जो है वो 70% से 80% लगभग पक गया है। अब मैं इसको पानी से निकाल दूंगी और इधर हमारा प्याज तब तक फ्राई हो गया। प्याज हमारा हल्का फ्राई हो चुका है। अब इसमें एक टमाटर जाएगा और थोड़ा सा धनिया पत्ता जाएगा और मसाले में एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और ये बिरयानी मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी भुनी हुई जीरा पाउडर, ये सही इसमें जाएगा। अब इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद ये हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक जाएगा इसमें और थोड़ी सी हल्दी। अब मैरिनेट किया हुआ जो हमारा चिकन था मैं उसको इसमें डाल दी। अब लो टू हाई करके फ्लेम को रखेंगे और अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको कुकर में बनाऊंगी। चावल हमारा तैयार है, ये पक चुका है। अब मैं इसमें धनिया डाल दूंगी। धनिया डालने के बाद जो चावल को मैं 80% तक पका के रखी थी वो इसके ऊपर से डाल दूंगी। सारे चावल को मैं डाल दी। अब इसके ऊपर से जो प्याज को मैं रखी थी फ्राई करके वो दे रही हूँ। अब थोड़े से
गरम मसाले जाएंगे इसके अंदर और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर जाएगा और थोड़ी सी मैं फूड कलर का इस्तेमाल की हूँ इसमें। एक सीटी लगाना है, एक सीटी जैसे ही आएगा उसके बाद गैस को मैं बंद कर दूंगी। एक सीटी लगाने के बाद मैं कुकर का ढक्कन खोल दी हूँ। देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा बिरयानी बन करके तैयार है। अब मैं इसको बाहर निकाल करके सर्व करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा चिकन बिरयानी बन करके तैयार है, मैं सर्व भी कर दी। देखिए लग रहा है ना यम्मी, बहुत ही यम्मी बना है फ्रेंड। तो आप लोग भी इसी रेसिपी से चिकन बिरयानी बनाइएगा और फिर हमें बताइएगा कि कैसा बना बिरयानी। तो आज यहीं पर इस रेसिपी को समाप्त करते हैं और फ्रेंड हमारा ये बिरयानी बनाने का तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।